ऑफ फ्रेंड्स, जस्ट मैंने ये अभी ब्रेकफास्ट लिया है, ये कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स के साथ मिल्क, एंड ये एक बन है, और ये पीनट बटर, ये मफिन है, और टू एग्स, बॉयल्ड एग्स, और ये कुछ इस तरह सा इनका ब्रेकफास्ट का डाइनिंग रूम है। ये व्यू देखो यहाँ से, ये एक आपको यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा, रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी, और यहाँ से देखिए आप, मॉर्निंग टाइम है अभी, जस्ट 7:30 हुआ है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का डाइनिंग का। सर, मैं आपको अपना हॉस्टल का बारे में बताऊँगा, ये कहाँ पे है और मुझे कितना का पड़ा ये हॉस्टल, एक दिन का मुझे कितना का हॉस्टल, ये सारा कुछ मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल आगे मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको टूर करवाऊँगा हॉस्टल के बारे में। और ये देखिए, ये हॉस्टल के पास ही में ना रेलवे ट्रैक गया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, तो यहाँ से आप ब्रेकफास्ट करते करते बस हर 2-3 मिनट में अंदर अंदर आप ट्रेन को देख सकते हैं। यहाँ से रूम है, वो है 3rd फ्लोर पे, रूम नंबर 313, ये 8 डॉर्मिटरी बेड है, ये कुछ इस तरह का इनका कॉरिडोर है, और बहुत साइड रूम है यहाँ पे, और ये है 315, दिस इज 314, एंड ये है 313। चलिए फिर रूम को खोलते कार्ड से, और अंदर आते ही ये आपको एक ऐसे बैक गेट पे पूरा बिल्डिंग का मैप दिया गया है। घुसते ही राइट साइड पे ये यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, ब्रश वगैरह कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। यहाँ पे हेयर ड्रायर है, यहाँ पे हेल्दी सॉप का हैंड वॉश है, बोथ साइड आपको ये मिल जाएगा। कुछ इस तरह का रूम है ये, 8 बेडरूम है ये डॉर्मेटरी, तो ये है राइट साइड टॉयलेट, वेस्टर्न ही मिलेगा, और लेफ्ट साइड में है बाथरूम, नहाने का रूम है ये। ये है रूम, मेरा जो बेड है वो एफ बेड है, बॉटम बेड है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एफ, और इसी का लॉकर है ये एफ, यहाँ पे मैंने खुद का अपना लॉक लगा के रखा हूँ, इसके अंदर मेरा अपना बैग है, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से दिख रहा है रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी का। तो अभी जस्ट आपको मैंने रूम दिखाया है, तो अभी चलते हैं, इस बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर है, तो 3rd फ्लोर पे मैं हूँ, 2nd फ्लोर पे इनका हॉल रूम टाइप का है, 2nd फ्लोर पे जो रूम है वो एक्चुअली मतलब मींस आप डिफरेंट, आप वहाँ पे चिल कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, सारा चीज़ ये सब है, तो और 2nd फ्लोर में ही आपको ब्रेकफास्ट का मिल जाएगा। तो जस्ट मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि मैंने ब्रेकफास्ट वहाँ पे कर लिया, ब्रेकफास्ट डिसेंट सा था, बहुत अच्छा नहीं था, और बट ठीक है, चल जाएगा, जो भी है उसमें आपको मतलब शिकागो के डाउनटाउन में बहुत ही कम पैसों में आपको अगर मिल रही है हॉस्टल तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर से ब्रेकफास्ट आपका कम्प्लीमेंट्री है तो काफ़ी अच्छा है, और बाकी रूम वगैरह अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था, मुझे लास्ट नाइट की नींद मेरी बहुत अच्छी हुई, बहुत ही कम्फर्टेबल थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, सेफ है, सिक्योर है, नीट एंड क्लीन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। मेरे रूम से निकलते ही कुछ ऐसा यहाँ का जगह जगह पे लगाया है, वॉल पेंटिंग का फोटो वगैरह, यहाँ पर भी देखिए ऐसे बहुत खूबसूरत है। ये लिफ्ट है, आई थिंक हर फ्लोर पे ये मशीन है, ये आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं, इजीली खरीद सकते हैं, यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन रखा गया है जहाँ से आप बेसिक चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ये कोको कोला का एक मशीन रखा गया है, इसमें आपको कार्ड से ही करना पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कैश चलेगा, आप यहाँ पे कार्ड से स्वाइप कीजिए, या उसको आप वाईफाई टैप कीजिए, या ऑटोमेटिक आपको जो चाहिए सब ले सकते हैं। सेम यहाँ पे भी है, आइदर आप यहाँ पे कार्ड यूज़ करें, या फिर मुझे लगता है यहाँ पर कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं आप, सो आई थिंक
नोट जो होता है वो नहीं चलेगा, डॉलर का नोट जो होता है वो नहीं चलेगा, एक कॉइन चलेगा और कार्ड चलेगा, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये अच्छा है। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अगर रात को अगर आपको कहीं भूख लगता है या कुछ भी आपको चाहिए स्नैक्स में, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें बंद हो जाती है, और यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें वही है, रेस्टोरेंट क्लब है, तो आप हर टाइम वो आप पसंद नहीं करते जाने के लिए। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि हफ्तों पर उन्होंने मशीन रख दिया, आपको कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। ये एक कॉरिडोर टाइप का है, बहुत साइड रूम है यहाँ पे, और उस साइड भी सेम है, बहुत साइड कॉरिडोर है और आप वहाँ से भी रूम एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप लिफ्ट यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, आप स्टेयर्स आराम से कोई भी फ्लोर में जा सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, लिफ्ट का वेट नहीं किया मैंने, बिकॉज लिफ्ट में टाइम लगेगा आने में, इससे बेटर है आप आ सकते हैं आराम से। ये देखिए सेकंड लिखा हुआ यहाँ पे। सो ये है सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर में यहाँ पर भी रूम है, बहुत सारे रूम हैं यहाँ पे, और इसी फ्लोर में आपको डाइनिंग भी मिल जाएगा ब्रेकफास्ट का खाने के लिए। ये देखिए इनका ये रूम, यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा भी है, यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं आराम से। एक ये बीच में टेबल टेनिस का है, और ये देखिए शिकागो इस म्यूजिक, ये है कुछ इस तरह इनका, यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, आराम से चिल कर सकते हैं। ये टेबल टेनिस, यहाँ पे बॉल रखा है, बैट्स भी हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे स्नूकर भी आप खेल सकते हैं, दो स्नूकर टेबल हैं यहाँ पे, और ये बड़ा सा एक टीवी है, प्लस सोफ़ा भी है यहाँ पे, आराम से बैठ के आप देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह अबाउट शिकागो के बारे में, यहाँ पर न्यूज़ चैनल बहुत सारा है, तो आराम से आप शिकागो के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही कूल वाइब से ही है, ये देखो आप, और हर जगह विंडो पे वगैरह में आपको हेलोवीन, अभी जैसे हेलोवीन आने वाली है ना, तो अभी हेलोवीन के लिए पूरा यहाँ पर देखिए ऐसे हेलोवीन चारों तरफ एकदम गया, यहाँ पर कुछ फ्लावर है, नवंबर, क्रेजी प्लेस। यहाँ पे कुछ गेम्स रखा गया है, ये गेम्स भी आप खेल सकते हैं यहाँ पे, ऊनो मैंने सुबह को देखा था, ऊनो रखा हुआ था, कुछ बुक होंगे पढ़ने के लिए, और कुछ चेस वगैरह है रखा हुआ कोई गेम। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं, तीन चार लोग हो या दो लोग भी हो, तो आराम से टेबल टेनिस के लिए, गेम्स के लिए, क्योंकि हर टाइम आप नहीं घूम सकते हो, आपको रेस्ट की करने की भी ज़रूरत है, तो आप आराम से यहाँ पर चिल कर सकते हो। लाइक अभी जैसे नवंबर मंथ में यहाँ पे ठंड अच्छी खासी है, 10 डिग्रीज चल रही है, 10 डिग्रीज 9 डिग्रीज ऐसे चल रही है, कल जैसे था 10 डिग्री, आज शायद 11 डिग्री या 12 डिग्री, आज थोड़ा सनी वेदर है, तो अच्छा है ये जगह, बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन स्पेस है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा कि इस होटल के लिए मुझे कितना पे करना पड़ा इस हॉस्टल के लिए, फिर लास्ट में आपको बताता हूँ, तब तक मैं आप ये इसका इनका रिसेप्शन एरिया दिखाता हूँ जहाँ से ये होटल की एंट्री होती है। तो यहाँ से मैं स्टेयर से ही जा रहा हूँ, स्टेयर से ही फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगा, फर्स्ट फ्लोर पे आपको रिसेप्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह है, आप जैसे स्टेयर से आएंगे तो ये देखिए, ये डिफरेंट कंट्री का फ्लैग है यहाँ पे, आप अगर देखिए एकदम लेफ्ट साइड एकदम कॉर्नर पे आपको इंडिया का फ्लैग दिख जाएगा, न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, टर्की का है, बहुत सारे कंट्री का आपको फ्लैग दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखिए स्विट्ज़रलैंड का है, स्वीडन का है, और ये सेकंड फ्लोर में आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं सारे एक्टिविटीज़, चिल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो और ये ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं, यह है इनका रिसेप्शन एरिया, तो चलिए रिसेप्शन पे चलते हैं। रिसेप्शन भी काफ़ी कूल है इनका,
और ये जो फ्रंट पे देख रहे हैं ये है इनका मेन गेट, यहाँ से ही आप होटल में एंट्री ले सकते हैं। तो मेरे पीछे जो आप अभी देख रहे हैं वो है रिसेप्शन एरिया इनका, तो यहाँ पे आप रिसेप्शन में जाके एकदम आराम से चेक इन चेक आउट कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल और अच्छा है सब कुछ, प्रोसेस भी बहुत स्मूथ है। बड़े बड़े ग्लास लगे हुए हैं और आराम से आप बाहर का भी व्यू देख सकते हो। तो ये है कुछ इनका रिसेप्शन एरिया यहाँ पे जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये भी यहाँ पर भी आप आराम से चिल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या भी आप अपने यहाँ पर फ़ोन को चार्ज कीजिए, वाईफाई यूज़ कीजिए आराम से। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है, ये है इनका रिसेप्शन एरिया और दिस इज़ द एग्जिट गेट। तो यहाँ पे और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, इस हॉस्टल में आपको इतने सारे शिकागो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अगर कुछ लाइक आपको गाइड मैप चाहिए, आपको फेमस टूरिस्ट प्लेसेस घूमना है या उनके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इंजॉय करना है, तो ये सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। आप फ्रीली यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं और शिकागो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर घूम सकते हैं। एक यहाँ पर लॉकर रूम है, ये लॉकर रूम बेसिकली पे करके कर में सामान रख सकते हैं। अगर सपोज़ आप चेकआउट कर गए, चेकआउट करने के बाद भी आपको सिटी में रहना है, 5-6 घंटा रहना है, उसके बाद आपकी फ़्लाइट है या कहीं और आप जाना चाहते हैं, तो 5-6 घंटे की आपके लगेज को रख सकते हैं यहाँ पे। जो पे करना पड़ता है वो है $3 पर आइटम, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं $3 पे एक आइटम रख सकते हैं, कोई भी अपना ट्रॉली बैग हो गया, कोई हैंड बैग हो गया, आराम से रख सकते हैं। और आई थिंक जितना देर तक रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर चेकआउट टाइम जैसे 11 बजे है, 11 बजे आप चेकआउट किए हैं, आपको शाम को या रात को 8 बजे की फ़्लाइट है, तो तब तक आप $3 में आराम से रख सकते हैं यहाँ पर। सेफ्टी बहुत ज़्यादा सेफ है, आराम से लोकर लोकर पर रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, और ये है इनका स्टेयर, सब जा सकते हैं, लिफ्ट ले सकते हैं यहाँ से सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के लिए। यहाँ से बेसिकली एंट्री होता है जहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर कहीं पर भी जाना हो। और यहाँ पे और एक एग्ज़िट गेट है यहाँ पे, यहाँ से भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो फ्रंट वाला मैंने आपको दिखाया कि फ्रंट गेट से एग्ज़िट करना, एंट्री करना है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दूसरा गेट भी है, यहाँ से भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। फाइनल चीज़ों पर बात करते हैं कि मुझे इस हॉस्टल में मुझे कितना पे करना पड़ा। तो मुझे एक दिन का यहाँ पे पड़ा है 3,000 रुपीज़, इंडियन मनी में 3,000। अगर आप इसी चीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे US डॉलर में तो वो आ जाता है $35, डिपेंड करता है क्या रेट चल रहा है, यानी 34, 35, 36 जो भी रेट चल रहा है वो वेरिएशन थोड़ा बहुत करेगा। तो मुझे ही अच्छा लगा बिकॉज एक दिन के लिए 3,000 रुपीज़ डाउनटाउन शिकागो में रहना कंपेरेटिवली सस्ता है। अगर आप होटल देखेंगे या फिर और कोई चीज़ अगर आपको मिलता है इंटरनेट पे तो आप सर्च कीजिएगा ज़रूर, तो आई डोंट थिंक सो बहुत ही ज़्यादा सस्ता आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया है शिकागो। जैसा आपको पता ही है शिकागो इज़ मोस्ट फेमस प्लेस आफ्टर न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने सर्च किया था 8,000, 10,000, 9,000, 10,000 ओनली वन नाइट के लिए। तो दिस हॉस्टल इज़ क्वाइट गुड, रूम अच्छा था, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, सेफ है, डाउनटाउन में है, सारे टूरिस्ट प्लेसेस स्पॉट्स आमने सामने ही पास पास है, तो आराम से आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं एगोडा में और booking.com में, जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पर भी आपको अच्छा डिस्काउंट दे सकते हैं। नहीं रहा है बाकी और कुछ चीज़ होगा इन्फॉर्मेशन का आपको ज़रूर बताऊँगा रिलेटेड दिस हॉस्टल, और मैं इसका लिंक भी अपने यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। एगोडा का, एगोडा से मैंने बुक किया था, एगोडा booking.com दोनों का दे दूंगा ताकि आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है रूम टूर और फिर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दिया है। अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मैंने मिस किया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा कि हाँ और क्या आपको जानना था, क्या मैंने नहीं बताया। अगर कुछ और होगा तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। सो ये है हाई शिकागो हॉस्टल, ये आप देख सकते हैं, यही है हॉस्टल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और इसके पास में एक कैफ़े भी है, और ये हॉस्टल है।
हूँ।